प्रकार की भावना के अंदर पहली ही अनित्य भावना आती है। अनित्य भावना की अपनी विवेचना चल रही है कि भाई ये संसार के जितने भी सारे पदार्थ हैं, सारे पदार्थ अपने सुख के उपभोग के लिए इकट्ठे किए और उससे सुख का आपादन मिल रहा है, सुख का अनुभव भी हो रहा है और अपन सुखी है ऐसा कहलाते भी है, और ऐसे सुख का अनुभव करते करते अपना जीवन आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अपना जीवन के अंदर अब क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं और सुख के साधन पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रकर्ष के कारण अपने को सुख के साधन की प्राप्ति भी होती है, और जितने भी संसार के साधन आपने एकत्रित कर लिए वो सब आपको सुविधा दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं और सुख का अनुभव करा रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञानी भगवान बता रहे हैं, भाग्यशाली ये जितने भी साधन आपने एकत्रित किए हुए हैं और जितना भी संसार बसाया हुआ है वो ज्ञानी भगवान बता रहे हैं वो अनित्य है, नित्य नहीं है। आप उसको नित्य समझ के बैठे हैं और ज्ञानी भगवान बता रहे हैं कि वो अनित्य है, बस इसी बात का आपने को संशोधन करना है। वो नित्य नहीं है उसकी समझ अपने दिमाग के अंदर लाना है। ये सारी संसार की जितनी भी भावना है, जितना भी संबंध है, जितने भी सामग्री है, जितना भी उपभोग के साधन है, ये सारे अनित्य है। अनित्य मतलब कायम टिकने वाले नहीं है, कायम टिकने वाले नहीं मतलब उसका एक दिन विध्वंस है, एक दिन वियोग है और वियोग है वहां पे दुख है। कोई भी चीज अपने पास आई और अपने पास से चली जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, दुख होता है। तो वो चीज सुख का अनुभव भी करा के गई और वापस अंत में दुख का अनुभव भी करा के गई। तो इसीलिए यहाँ पे बता दें संसार के सभी पदार्थों के अंदर अनित्य की भावना यहाँ पे छुपी हुई है, और उसी अपने तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी ज्ञान की वाणी के द्वारा आधार पे बताया, उसी को सरल रस के अंदर और शांति से शांत सुधारस जिसका नाम कहा गया है, वो शांत सुधारस नाम के ग्रंथ के अंदर इन सारी बातों का एकदम सरल पदार्थ से, तरल पदार्थ से, जैसे कि पानी का ग्लास मुंह पे उतारे लगावे और पानी गले के अंदर उतर जाए, वैसे एक ज्ञान की परिभाषा अपने को समझाने के लिए विनय विजय जी महाराज बता रहे हैं कि भाग्यशाली संसार के जितने भी भाव हैं उस भाव का आप वो सिद्धि देने वाले नहीं है। साधन जरूर है, साधन का आप उपयोग कर सकते हैं मगर उसको सिद्धि मान कर करके आप जी नहीं सकते। इसीलिए संसार को चलाने के लिए जितने भी आपने साधन इकट्ठे किए हैं वो मात्र एक साधन है, वो साध्य नहीं है। तो साध्य क्या है, तो कि साध्य यही है कि धर्माचरण, जो धर्म की आचरणा करनी है, और वो भी धर्म कौन सा, सर्वज्ञवासी जो जिन धर्म है, जिस धर्म की अपन आचरणा कर रहे हैं उस धर्म के अंदर उजागर बन के आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाके उस धर्म की प्ररूपणा करना है और धर्म को आत्मसात करना है। अभी इस कार्य के अंदर पांच जात के आवरण आ रहे हैं, पांच जात के अंधकार की कालीमा अपने ऊपर लगी हुई है, वो अपने को आगे जाने नहीं देती है, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब संसार के ज्ञान को आपने ज्ञान समझा और धर्म के आत्मा के उत्कर्ष का जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपने ज्ञान नहीं समझा, ये अज्ञानता है, इसी को बोलते हैं अज्ञानता। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, और ज्ञान जब प्राप्त करना है तो उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। आप घर से चल के यहाँ पे आए, कोई वाहन के द्वारा भी आए तो ये क्या हुआ, उसको क्या कहा गया, क्या कहा गया, उसको क्रिया किया ना आपने। क्या आप घर में ही बैठे रहते, मुझे प्रवचन सुनना है, शांत सुधारस की बात सुननी है, गुरु भगवान क्या बोलते हैं वो भी सुनना है, मगर घर बैठे बैठे आपने मात्र विचार किया, ज्ञान तो है आपके पास, उस ज्ञान के बाद आपने क्रिया नहीं की, चेष्टा नहीं की, वहां से चल के आए नहीं, वहां से उद्यम नहीं किया, हाथ पांव नहीं चलाया, और चलाया तो आप यहाँ पे पहुंच गए, तो ये क्या किया आपने, क्रिया किया। तो यहाँ पे यही बोलते हैं अनित्य की भावना आप समझ में आई, तो अनित्य की भावना के बाद अशरण की भावना जो रहती है, जो शरणभूत तत्व है उसको तो आपने अशरण समझा है, और जो शरणभूत तत्व है उनको अशरण समझा है, उल्टा समझा है, अनित्य है उनको नित्य समझा, अशरण है वो शरणदायक है ऐसा समझा है, और शरणभूत जो तत्व है उनको अशरण समझते हैं। तो ये भाव कैसे है, जितना परिवार के प्रति प्रेम है, जितने धन के ऊपर मूर्छा है, जितने आपकी साधन सामग्री पर जितना प्यार है, उतना प्यार धर्म के तत्व के प्रति है, बताइए नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं विनय विजय जी महाराज कि भाग्यशाली ये सारे पदार्थ आपने जो इकट्ठे किए हैं वो अनित्य है, अशरण है। अशरण मतलब एक दूसरे के सहारे पे चल रहा है, कोई शरणभूत नहीं है। जब विपत्ति आती है तब